अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे, तो हमने कहा कि चले हम थोड़ी सी इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, एक तरह की जनरल टॉक ही आपके हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, परमानेंटली नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए जी, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कि बच्चेदानी के मुंह पे जो जख्म हो जाता है, सर्वाइकल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं या सर्विक्स के मुंह पे जिसे इन्फेक्शन कहते हैं, कि वो उसकी क्या वजूहात है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो उसकी वजूहात मतलब मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करूंगी कि मैं किसको जख्म कह रही हूँ। मतलब सर्वाइकल इन्फेक्शन मोस्टली लोग इसी नाम से कहते हैं कि सर्विक्स इन्फेक्शन हो गया है या बच्चेदानी के मुंह पे जख्म है या बच्चेदानी में जख्म है, इस तरह के मुख्तलिफ नामों से पेशेंट्स आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली ये होता ये है कि आप अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या आपके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं उसके बाद भी आपको लगातार स्पॉटिंग हो रही है, ब्राउनिश डिस्चार्ज है या फ्रेश ब्लड है, तो उसमें सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर को चाहिए कि वो आपसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री ले। इसकी वजूहात में सबसे पहले यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है, यूरिन कर रहे हैं तो आप उसको मिक्स कर रहे हैं कि डिस्चार्ज के साथ आपको स्पॉटिंग आ रही है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं। उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर है 10-14 डेज एंटीबायोटिक्स, मैं आपको साथ साथ ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ ठीक है, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स है, कुछ प्रोबायोटिक्स है और आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहते हैं, कुछ वॉशेज मैं देती हूँ और उसके अलावा कहते हैं कि अलॉट ऑफ वाटर यूज करें और हाइजीन को स्पेशली मेंटेन करें। नेक्स्ट रीजन आ जाती है इसकी कि इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में जो कॉजेज हैं वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी वो हो सकता है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स भी कॉज कर सकते हैं। इनको करने के लिए हम सर्वाइकल स्वैब्स लेते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वो फिर लैब्स में भेजे जाते हैं, चेक किए जाते हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि क्या ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से है या नॉन सेक्सुअल है, तो उसके लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है तो वो हम देते हैं 14-10 डेज के लिए। इस तरह से छोटी मोटी दवाइयों से इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे जब आपकी एज होती है 35 से ऊपर तो आपको चाहिए कि एवरी 2-3 ईयर आप अपना पैप स्मेयर कराएं। पैप स्मेयर एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हर फीमेल को आफ्टर 35 इयर्स कराना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है और 35 से जब एज ऊपर हो जाती है, जब आप मेनोपॉज के करीब होते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ताकि आप एवरी 2-3 ईयर रिपीट कराएंगे तो आप एवरी 2-3 ईयर सेफ रहते हैं, अगर आपका टेस्ट अच्छा आ जाता है, क्लियर आ जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो सर्विक्स की चेंजेस हैं, सेल्स हैं, क्या वो कैंसर फॉर्म में चेंज तो नहीं हुए। तो इसके बेटर है कि आफ्टर 35 इयर्स आप ये एवरी 2-3 ईयर जरूर रिपीट करें, इसको रूटीन एग्जामिनेशन में बनाए। दूसरी रीजन जैसे कि मैं आपको बताती थी कि इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें, ये मैंने आपको इन्फेक्शन बताया। इसके अलावा सर्विसाइटिस यानी कि सर्विस का इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स वगैरह देते हैं। अगर वो ठीक होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो पैप स्मेयर, सर्वाइकल स्वैब्स, ये HVS ये देख के हम चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट एक जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं सर्वाइकल एक्टोपी, यानी कि एक वेलवेटी सा, रेडिश सा, बड़ा स्मूथ सा सर्विक्स पे ना एरिया सा ऐसे क्लॉटिंग सी बन जाती है ठीक है। वो मोस्टली प्रेगनेंसी में कॉमन होती है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि आपके हार्मोन इंबैलेंस होते हैं, इस तरह की जो 2-3 कंडीशंस होती है इसमें वो कॉमन होता है। वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, ज्यादा ब्लड की आर्टरीज का मुंह खुल जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए आपको पहले एंटीबायोटिक्स का कोर्स देते हैं हम, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरीज देते हैं, अगर उससे रिजोल्व नहीं हो रहा देन कॉटरी की जाती है, उनके मुंह को जलाया जाता है, रोका जाता है, बंद किया जाता है ताकि वो जड़ से ही उनकी ब्लीडिंग आना खत्म हो जाए अगर स्वेयर हो तो। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए यानी कि आपकी एज 40 से अबव है, 45 से अबव है, मेनोपॉज आ गया है और आपको ये कंडीशंस हैं कि आपकी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है, या आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो वो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप उसको रूल आउट करें, डॉक्टर को दिखाएं, विजिट करें, उनसे बताएं कि आप हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन करें, पेल्विक एग्जामिनेशन करें, रूल आउट करें कि क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से तो नहीं है, नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से तो नहीं है, सिंपल यूटीआई, सर्विसाइटिस, सर्वाइकल एक्टोपिक, सर्वाइकल इरियंस, वजह क्या है। क्योंकि इस एज में मेनोपॉज के करीब मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर्स के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो आपके पैप स्मेयर पे क्लियर हो जाता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है कि कहीं वो सेल्स में चेंजेस तो नहीं, कैंसर सेल्स तो नहीं आ रहे, डिवाइड तो नहीं हो रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ उसमें क्लियर नहीं होता तो कॉल्पोस्कोपी यानी कि कैमरे के थ्रू उसमें से बायोप्सी लेके, कुछ गोश्त का टुकड़ा लेके उसको चेक किया जाता है। साइटोलॉजी आजकल आई हुई है, वो उसमें भी चेक करके देखा जाता है कि कहीं कैंसर सेल्स तो नहीं है।
तो इस तरह से छोटे छोटे टेस्ट हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल इन्फेक्शन, जिसको बच्चादानी का जख्म कहते हैं, ये हो सकता है। और इनका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज है कि जब आपको रीजन पता चलती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। एक दफा फिर आपके सामने हाजिर होंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।